और क्वेश्चंस में हमारी अप्रोच क्या रही किस तरीके से सॉल्व करना आज हम सारा सीखेंगे ठीक है चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्लास में आने वाले बच्चे क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए स्टार्ट करें हाय हेलो जैन चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास काफी चीजें हमने पढ़ ली है हम आएंगे वापस एसोसिएटिव तो प्रॉपर्टी क्या होती है इन यूनिवर्स क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या होता है रैशनल नंबर्स को पी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल रिमाइंडर थ्योरम ये सारी चीजें हम कवर अप कर चुके हैं ठीक है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के रिगार्डिंग हमने बात कर ली थी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बता दिया था मैंने की बेटा थाउजेंड टेन थाउजेंड तक सेम होता है अपने लाख शुरू हो जाता है ये लैक नहीं बोलते ये हंड्रेड थाउजेंड बोलते हैं इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे ठीक है चलिए फिर क्लास कहां से स्टार्ट करेंगे हम

एक्स आ चुका है एट चलिए बेटा वाई फाइंड करते हैं आपके पास दो इक्वेशन थी स्टार्टिंग में चाहे आप इसमें की वैल्यू कर कर दो कर दो चाहे इसमें आपका आंसर टू हंड्रेड यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू भी आएगी उत्तम बिल्कुल सही आंसर बेटा बट डोंट स्पैम एक बार में आंसर दीजिए 100 64. तो बेटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी तो एट और सिक्स और और मिलकर कितना आएगा हमारे पास फोर्टीन आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही क्लास में आने वाले बच्चे क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए अपने दोस्तों और सबको बता दीजिए कि शौर्य भारत पे आपके बेटा स्कूल ब्रिटिश स्कूल नवदेव की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है जो कि अभी यूट्यूब पे चल रही है पूरी तरीके से फ्री जहां पे आपको पूरा कोर्स करवाया जा रहा है ऑलमोस्ट हाल फिलहाल बेटा फ्री में चल रही है तो अपने दोस्तों को और को बोल दीजिए कि क्लास में आइए अभी एग्जाम में थोड़ा टाइम है बट फिर भी हम पढ़ेंगे तो आज के पहले क्वेश्चन का आंसर आया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी फोर्टीन तो अच्छा योर नेम इज ओम ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन

चार में से कोई भी तीन दे रखा हो तो चौथी हम निकाल सकते हैं सर ये क्लास नाइन्थ के लिए है बेटा सिक्स की क्लास आपके होती है ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे को और नवोदय विद्यालय की शौर्य भात के नवोदय जवाहर नवोदय यूट्यूब चैनल के ऊपर बेटा डेली क्लासेस हो रही है फॉर क्लास क्लास बेटा के लिए नवोदय चल रही है रोहित बेटा इसमें नहीं है वो चार बजे स्टार्ट होगा शौर्य भात के नवोदय विद्यालय चैनल पे आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए तो बेटा देखो यहाँ पे मेरे पास दो चीजें मिसिंग है ना तो मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन पता है

से ये टू जाता है हमारे पास 74. कितना आएगा यहां पे one answer आएगा पे इस है, आपके तीन स्टार्ट होती है। और मंडे को आपकी नाइन की क्लास होती है इतना है ठीक है और ट्यूसडे को साइंस की क्लास होती है सारी क्लास बेटा इसी चैनल पे मिलेगी आप, आप, आप जब भी शौर्य भात के यूट्यूब चैनल को डाउनलोड ओपन करोगे शौर्य भात जवान मिलिट्री नवोदय विद्यालय यूट्यूब चैनल को ओपन करोगे तो इसके अंदर बेटा आपको सारी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी मंडी आपकी मैथ्स की क्लासेस का टाइमिंग ये है मंडे वेनेसडे फ्राइडे ये है बेटा आपके मैथ्स की क्लासेस का टाइमिंग फॉर क्लास नाइन्थ फॉर क्लास नाइन्थ अगर क्लास सिक्स का बच्चा देख रहा है तो उनका टाइमिंग है बेटा मैथ्स और रीजनिंग का टी टी एस ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे और जवाहर नवोदय की डेली क्लासेज लग रही है शौर्य भारत के जवाहर नवोदय यूट्यूब चैनल पर बेटा ये क्लास नाइन्थ है आज क्लास नाइन्थ है क्योंकि आज मंडे है मंडे को क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स चलेगी ओके okay, चलिए फिर आगे बढ़िए थ्री बाय फोर ऑफ टू बाय सेवन ऑफ वन बाय फाइव ऑफ फाइव सिक्सटी बेटा देखो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बस सोल्व करना है इन टू टू बाई सेवन इन टू वन बाई फाइव इन टू फाइव सिक्स जीरो

कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे याद रखना एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में टाइम वेस्ट भी हो जाता है उनका कैसे अप्रोच रहेगी वो भी हम सीखेंगे तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फटाफट से आगे बढ़ेंगे चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए मैं बराबर आपको सिक्सटी सेकंड देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव बेटा सिक्सटी सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए आराम से कीजिए सॉल्व सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है और सिक्सटी सेकंड्स मोर देन इनफ़ है बेटा मोर देन इनफ हरी अब टेन सेकेंड्स टू गो ओके एंड टाइम एंड नाउ अब दस सेकेंड दे रहा हूं ताकि रिप्लाई आ जाए मेरे पास आंसर आना चाहिए इसका ए फाइव बाई एट

अब मेरे पास ये बच रहा है देखते जाना से मैं ये वाला पॉइंट लिख रहा हूं बस वन प्लस करली ब्रैकेट की बारी आई है पहले इसको सॉल्व करेंगे सिंपल है अगर मैं रेसी प्रोकोल कर देता हूं तो डिवाइड मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा इन टू में इसको उल्टा कर दो बेटा तो ये आएगा मेरे पास वन प्लस वन इंटू टू बाई थ्री पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो क्या रहेगा बेटा आपका टू बाई थ्री तो वन प्लस टू बाई थ्री क्या होगा फिर से यहां पे एल्सियम लेंगे तो थ्री वन जो थ्री थ्री प्लस टू फाइव बाई थ्री मतलब पूरा करली ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है यहां तक बेटा पूरा मैंने सॉल्व कर लिया आंसर आ रहा है फाइव बाई थ्री अब कलर चेंज कर रहा हूं ब्लू कलर से देखना अब बेटा ये वाली चीज लिख रहा हूं मैं वन प्लस वन ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास बाई सिखाता है पहले से डिवाइड को करेंगे रेसी प्रोगल कर दो बेटा <coughs> तो कितना आएगा ये वन प्लस थ्री बाई फाइव इन टू हो जाएगा ना अगर चलो डायरेट लिखते नहीं है डायट आंसर नहीं लिखते ये आएगा वन इन टू थ्री बाई फाइव इसको भी अगर मैं सोल्व करूंगा कितना आएगा बेटा वन प्लस थ्री बाई फाइव और इस पूरे को सोल्व करूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास बेटा एट बाई फाइव सर यानी हमने स्क्वायर ब्रैकेट यहां तक सोल्व कर दिया है अब रेड कलर से देखना बेटा लास्ट स्टेप मैं लिख रहा हूं यहां पे. यह अपना last step है अब मेरा बच रहा है डिवाइडेड भाई डिवाइड है रेसिप्रोकल कर दो तो टू में हो जाएगा फाइव वन जाए मेरा आंसर आएगा यानी जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए दिया था वो बिल्कुल सही दिया था बेटा बी नहीं आएगा ओम बी नहीं आएगा बेटा आंसर ए ही आएगा लास्ट में डिवाइड का साइन है रेसिपोकल करना था आंसर आएगा फाइव बाई एट तो क्वेश्चन था बोर्ड मार्स के रूल्स को हमको सिखा रहा था कि हमेशा हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और डिवाइड के साइन को अगर मैं इंटू में कन्वर्ट कर रहा हूं तो डिवाइड के जस्ट आगे वाली राइट right हैंड वाली वैल्यू बेटा रेसिपोकल मतलब रिवर्स हो जाती है उल्टी हो जाती है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं लेकिन बड़ा इजी क्वेश्चन होते हैं सैनिक स्कूल के अंदर नाइन्थ के अंदर स्पेशली अभी क्लास को लाइक से सब्सक्राइब करते जाइए आगे बढ़िए सम ऑफ टू नंबर इज टेन मोर वॉट आर बेटा दो नंबर को अगर दो नंबर है बेटा, मैं X plus y करता ना, तो मेरे को सेवेंटी फोर मिलता है और दोनों नंबर में कह रहा है एक नंबर दूसरे से कितना ज्यादा है दस ज्यादा है यानी बेटा एक्स माइनस वाई कितना होगा दस होगा भाई ज्यादा का मोर का मतलब क्या होता है बेटा डिफरेंस है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं मेरी सैलरी दो हजार है रितेश की सैलरी तीन हजार है तो रितेश बोलेगा मेरी सैलरी सर से हजार रुपए ज्यादा है और सर बोलेंगे तो बोलेंगे मेरी सैलरी रितेश से हजार रुपए कम है तो बेटा हजार क्या होता है डिफरेंस होता है ऑप्शन से कर लीजिए भाई किन दोनों नंबर को एड करने पर सेवेंटी आ रहा है बेटा इन तीनों को एड करने पर सेवेंटी आ रहा है लेकिन सिर्फ पहले ऑप्शन के अंदर ही अगर मैं दोनों में का डिफरेंस लू बेटा डिफरेंस आना चाहिए दस क्वेश्चन कह रहा है दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए दस आना चाहिए तो यहां से आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम सैनिक स्कूल के अंदर आ रखा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा प्रीवियस ईयर अब सारे क्वेश्चन जो अभी देखोगे ना सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको चलो ये तो ऐसे हो गया बेसिक से कैसे कर, करते बेटा तो देखो मेरे पास इक्वेशन है मैंने लिखा x प्लस वाई किसके बराबर है के बराबर तो एक्स की वैल्यू कितनी कि, दो. दो तो है बेटा टेन प्लस वाई फिर प्लस वाई इज इक्वल टू सेवेंटी फोर ये प्लस का टेन उधर गया तो माइनस का टेन वाई प्लस वाई होगा बेटा टू वाई इधर आएगा सेवन माइनस टेन टू तो वाई आएगा सेवेंटी फोर में सिक्सटी फोर और वाई की वैल्यू कितनी आएगी थर्टी टू मतलब दोनों में से एक नंबर आ गया बत्तीस तो दूसरा ऑटोमेटिक बयालीस हो जाएगा एक्स थर्टी टू हो सकता है वाई थर्ट हो सकता है बड़ा कुछ भी हो सकता है डिपेंड करता है तो ये था अपना पूरा बेसिक और इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे और ये जो मैं इसके अंदर कर ले ब्रैकेट है ना बादल बनाया बादल के अंदर बेटा ये पूरा बेसिक सॉल्यूशन था इसका बेसिक सॉल्यूशन अब देखो एग्जाम के अंदर आपका दिमाग कैसे चलता है बेटा उसके ऊपर डिपेंड करता है आपने अप्रोच में पकड़ लिया कि हम ऑप्शन से हिट कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल तो हमने ऑप्शन से भी कर लिया वरना बेसिक तो सर ने कराया ही है तो आपने अगर ऑप्शन से कर लिया तो एग्जाम में टाइम बच गया टाइम बच गया मतलब आप एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर रहे हो सीखेंगे दोनों ये मत सोचना सर पूरा शॉर्टकट कराएंगे सर बेसिक भी कराएंगे सर शॉर्टकट कर भी बताएंगे डन है चलो अगला क्वेश्चन बेटा फिर से प्रीवियस ईयर का सिंपल सा क्वेश्चन है कह रहा है एक नंबर दे रखा है ग्यारह से डिवाइड होता है तो वेर ए इज डिजिट तो ए की वैल्यू फाइंड करो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए तो बेटा क्वेश्चन है मेरे पास हैल्टरनेट है? डिजिट्स के सम का डिफरेंस। 11 का रूल हमने पढ़ा है तो एक छोड़ के एक डिजिट्स पकड़ लो वन के बाद एट फिर एक छोड़ के जीरो फिर एक छोड़ के ए फिर एक छोड़ के नौ ऐड करो वन प्लस एट प्लस जीरो प्लस ए प्लस नाइन आठ और नौ दस सॉरी आठ और एक नौ नौ और नौ अठारह यहाँ आएगा बेटा मेरे पास एटीन प्लस ए आ जाओ दूसरा वाला पिंक कलर से कर रहा हूँ चार फिर एक छोड़ के एक फिर एक छोड़ के एक फिर एक छोड़ के जीरो फिर पाँच लिख दो भाई क्या है मेरे पास फोर प्लस वन प्लस वन प्लस जीरो प्लस फाइव चार और यहाँ आ रहा है ग्यारह कितना आ रहा है बेटा इन दोनों का या तो बेटा जीरो होना चाहिए इन दोनों डिफरेंस या तो जीरो हो, या क्या होना चाहिए इलेवन होना चाहिए तो बताओ क्या करेंगे यहां ए की वैल्यू में क्या रखू बेटा बताओ थैंक यू कतरी थैंक यू वेरी मच तो बेटा देखो 11 में से अठारह में से अगर मैं ग्यारह को माइनस करता हूं तो करके देख लो एक बार ए को भूल जाओ अगर मैं अठारह में से ग्यारह को माइनस करता हूं तो कितना आता है आता है तो सात तो आ नहीं सकता या तो इलेवन आना चाहिए जीरो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जीरो आ ही नहीं सकता क्योंकि अगर मैं बेटा ए की वैल्यू कितनी भी बड़ी रखू कितनी भी छोटी रखू तो इलेवन माइनस करने पर जीरो नहीं आएगा तो अठारह के अंदर ऐसा क्या एड करे बेटा अठारह के अंदर ऐसा क्या एड करूं कि जब मैं उसमें से इलेवन माइनस करूं तो फिर से इलेवन मिल जाए

बेटा मैराथन कैसे ले लेता अभी तक तो एग्जाम हो चुके हैं मैराथन तो अगले साल है अच्छा नवोदय का बेटा नवोदय के लिए इतना टाइम नहीं इसीलिए हमने सिक्स की क्लास स्टार्ट की है तो तरुण बेटा मैं समझ गया आपकी बात ग्यारह फेब को है तो बेटा मैं बात करूंगा सात दिन पहले मैराथन होगी होगी तो वरना नहीं होगी ठीक है ना चलिए अगेन बेटा अगला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कह रहा है बी ए अब इस क्वेश्चन को समझना भाई आंसर देने से पहले समझना मैं ऑप्शन भी नहीं लाया हूं इसीलिए फाइव सेवन ए बेटा देखो सिंपल सा रूल है यहां अगर मैंने ए की वैल्यू वन रखी है ना तो यहां पे भी वन आना चाहिए यहां पे भी वन आना चाहिए थैंक यू विमल और यहां बी की वैल्यू जो होगी डिटो की डिटो कहां आएगी यहां आएगी अब इसको सॉल्व करो तो बेटा एक बात बताओ थ्री को मैं किस नंबर से इंटू करूं कि वापस मेरे को यहां वो नंबर मिल जाए तो समझना अगर बेटा मैं को वन, वन तो थ्री वन या थ्री नहीं आएगा तो आपको सोचना है ऐसा क्या रखू कि ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम वैल्यू आ जाए सॉल्व करो बेटा मैं तो सात दिन पहले होगी ठीक है ना होगी तो बता दिया जाएगा आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा 2020 का क्वेश्चन अगेन प्रीवियस ईयर 2020 क्वेश्चन चलो ओम कह ट्वेंटी क्वेश्चन पांच रखो तो बेटा देखो पांच रखूंगा ना तो सिंपल रखो ए की वैल्यू पांच मान रहे हैं क्योंकि अगर मैं यहां फाइव रखता हूं तो थ्री फाइव जो फिफ्टीन हो जाता है बिल्कुल सही बात है फाइव भी हो सकता है उत्तम और जीरो भी हो सकता है बेटा क्यों अगर मैं ए को जीरो रखता हूं तो थ्री इंटू जीरो क्या होगा जीरो तो जीरो भी हो सकता है फाइव भी हो सकता है मैं पहले पांच लेके चलता हूं चलो क्वेश्चन को अच्छे से लिख देते हैं वापस यहां लिखूंगा बेटा बी पांच फिर बी तीन और यहां पे इंटू करते हैं चलो और यहां पे फिर से पांच आना चाहिए चलो इंटू करते हैं बेटा आंसर आपके सामने फाइव थ्री फिफ्टीन फाइव और वन अब आ जाओ सेवन आना चाहिए बी कह रहे टू रख दो रख दूंगा बेटा मेरे को कुछ नहीं है जतिन कह रहे हैं बी को टू रख दो एज ए विश बेटा आप जो बोलोगे मैं वो रखूंगा चलो अब एक और बच्चे ने बोल दिया टू रख दो तो टू रख देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे टू तो यहाँ पे भी टू चलिए इन टू करते हैं थ्री फाइव जो फिफ्टीन फाइव वन थ्री टू जो सिक्स प्लस वन सेवन फिर इन टू आएगा टू फाइव जै टेन जीरो वन टू टू जो फोर और फाइव मेरे पास आंसर आ रहा है फाइव सेवेंटी फाइव देख लो बेटा जो ए की वैल्यू यहाँ थी वही ए की वैल्यू यहाँ है और बी की जो वैल्यू बेटा यहां थी दो तो यहां पे भी क्या ऑटोमेटिक दो आ गया तो ए की वैल्यू पांच आ गई बी की वैल्यू दो आ गई तो हमको मिल गया अगेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या समझ में नहीं आया बेटा रितेश क्या समझ में नहीं आया अच्छा थ्री नाइन या ट्वेंटी सेवन अच्छा नाइन क्यों नहीं रखा बेटा नाइन रख देते लेकिन गड़बड़ हो जाती आज दे तो भी गड़बड़ हो जाती करो ना। गड़ लिया करो। क्या है देखो यहां अगर तो यहाँ पे भी नाइन आएगा तो यहाँ पे भी नाइन नाइन पे फाइव इंटू जरा प्लस देखो चार डिजिट का नंबर हो गया बेटा अपने को तो तीन डिजिट का नंबर चाहिए ना एक दो तीन हाँ बेटा मंडे टू वे फ्राइडे को रेगुलर आपकी क्लास तीन बजे स्टार्ट हो जाती है डेली तीन बजे

देखो कितनी वैल्यू है ए बी सी डी ई e, एफ जी सात वैल्यू फाइंड करनी है अच्छा रितेश कह रहे हैं पांच ही क्यों ली बेटा देखो जीरो लेके भी ट्राई कर लो ना आंसर नहीं आता ना देखो अगर मैं कहता मैं जीरो ले लेता ए की वैल्यू बी ए इंटू बी थ्री देखो किसने पूछा ये रितेश बेटा समझो मेरे को जो वैल्यू यहां चाहिए ना वही वैल्यू यहां आनी चाहिए तो अगर मैं ए को वन लेता हूं तो यहां थ्री वन जा थ्री, या थ्री यहां ए की वैल्यू वन यहां ए की वैल्यू थ्री भाई मजा थोड़ी है ए का नाम है तो ए की वैल्यू भी सेम रहेगी बेटा यूट्यूब पे चल रही है सत्यम क्लास तो यूट्यूब पे चल रही है बेटा क्लास कैसे ऑन नहीं हो रही बेटा नवोदय के मैराथन आपके सात दिन पहले एग्जाम से सात दिन पहले तो बेटा देखो वन नहीं आ सकता अगर मैं टू लेता हूं तो यहां आ जाता सिक्स दोनों अलग अलग थ्री लेता तो यहां आ जाता नाइन तो बेटा जो ए यहां लोगे ना वही ए यहां आना चाहिए तो या तो जीरो आता है या पांच आता है इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया ए की वैल्यू या तो जीरो होगी या पांच होगी चलो भाई बड़े भाई के पास आ जाओ ये बड़े भाई बेटा ऐसा क्वेश्चन आए तो फटाफट से ऑप्शन उठा लो फटाफट से ऑप्शन ना 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 दिव्यांश यू हो जाएगा बेटा देखो ऑप्शन पहला ऑप्शन से आ जाओ ए की वैल्यू टू है बी की वैल्यू फोर है रखो भाई ए की वैल्यू टू है और बी की वैल्यू फोर है शुरू हो जाओ थ्री टू जा सिक्स टू टू की वैल्यू क्या है मतलब बेटा ए और डी दोनों बिल्कुल सही चल रहा है अब आ जाओ आगे फिर यहां कट लगेगा फोर थ्री जै ट्वेल्व बिल्कुल सही चल रहा है टू वन फोर टू जाट प्लस वन नाइन बिल्कुल सही चल रहा है एंड फोर फाइव ट्वेंटी तो यहाँ आ गया बीस तो बेटा डी की वैल्यू भी क्या आ गई जीरो तो कट गया. कट गया आ गई डी की वैल्यू भी सर जीरो आ गई है नाइन तो एफ की वैल्यू क्या आ गई बेटा नाइन आ गई ये देखो एफ की वैल्यू नाइन और अब यहां बचेगा ट्वेंटी वन तो ई e की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास यहाँ पे टू तो ई की वैल्यू टू जैसे ही मैंने ऑप्शन से ट्राई किया ऑप्शन ए इज द आंसर आ हो तो गया देख लो बेटा जो जो वैल्यू है ना सब यहां पे लिख लो कि सर ए ये, ये हमारा ए है ये हमारा बी है ये सर सी है ये भाई साहब डी है ये ई e है ये एफ है ये जी है तो बड़ा क्वेश्चन छोटे से जल्दी हुआ है तो बड़ा भाई आसान है बेटा बड़ा भाई देखने में भी बड़ा है ना होता है ना भाई बड़ा वाला भी देखने में गुस्से वाला लेकिन है शांत और छोटा वाला दिखने में शांत है लेकिन है गुस्से वाला तो हमने छोटा वाला किया छोटे वाले में टाइम लगा बड़ा वाला तो गोली की स्पीड से हुआ और आपके एग्जाम में बेटा ऐसा ही क्वेश्चन बनता है अगर बड़ा बनाया होगा तो सीधी सी बात है तो ऑप्शन देके बनाया होगा ठीक है चलिए गाड़ी भगाइए आगे और कौन कौन से क्वेश्चन रह गए वो भी देख लेते हैं बेटा दो क्वेश्चन और रहे हैं कह रहा भाई साहब वन एक्स टू वाई सिक्स जेड ये नौ से डिवाइड होते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड कर दो अब बेटा देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ओके डेटा चला गया दो मैं जैन ठीक है हाँ बेटा थोड़ी सी बफर हुई थी वो ठीक है तो तीनों की वैल्यू अलग होगी तो नाइन का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बेटा डिजिट्स का सम कर लो का का डिविजिबिलिटी रूल कहता है डिजिट्स का क्या कर लो सम कर लो तो बेटा अगर मैं इनको ऐड करता हूं छह दो आठ और एक नौ नाइन के अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू मेरे को रखनी है तो बेटा नौ के बाद अगला नंबर कौन सा आता है जो नाइन से डिवाइड होता हो तो बेटा नौ के बाद अगला नंबर आता है अठारह यानी एक्स प्लस तीनों मिलके कितने का सम देना चाहिए हमको नौ क्योंकि नौ और नौ अठारह होगा अठारह होती वो नौ से डिवाइड हो जाएगा तो ए इसीलिए नहीं आएगा बेटा जीरो नहीं ले सकते आप ये नहीं कह सकते कि सर एक्स भी देखो आप अगर जीरो बोल रहे हो ना सबसे बड़ी गड़बड़ी यही कर रहे हो बेटा अगर आप कह रहे हैं, X plus y plus Z हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो अगर आप कह रहे हैं, बेटा इन तीनों की वैल्यू है इसका मतलब अभी मैंने कहा तीनों सेम नहीं हो सकते अभी तो मैंने कहा एक्स वाई जेड तीनों सेम नहीं हो सकते तो बेटा जीरो नहीं आएगा जीरो कट जाएगा आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एक्स वाई जेड की वैल्यू लीस्ट वैल्यू पूछेगा तो भी बेटा वही आएगा लीस्ट वैल्यू पूछेगा तो भी नौ ही आएगा क्योंकि XYZ तीनों की वैल्यू अलग होनी चाहिए खतरी बेटा ऑप्शन में यही तो है कि तीनों वैल्यू सेम हो रही है जीरो कब आएगा भाई जब तीनों जीरो होंगे और मैं कह रहा हूं एक्स वाई जेड तीनों सेम नहीं हो सकते तीनों की वैल्यू अलग होगी एक्स जीरो होगा तो वाई जीरो नहीं होगा जेड जीरो नहीं होगा खतरी बेटा समझ में आया मान लिया लिस्ट लिस्ट पूछा पूछा है है मैं तो कह रहा हूँ, पूछा है। लेकिन मैं यह भी तो कह रहा हूं तीनों की वैल्यू बेटा अलग होनी चाहिए अब मैं आप तो कुछ भी सकते आप कह सकते हो सर एक्स की वैल्यू दो है वाई की वैल्यू तीन है और जेड की वैल्यू पांच है इन तीनों को जोड़ो अच्छा ए कर लो इसको एक्स की वैल्यू वन कर दो भाई वन थ्री एंड फाइव अब देखो बेटा X भी अलग है Y भी अलग है Z भी अलग है तीनों को ऐड करने पे नौ भी आएगा एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू अलग होनी चाहिए प्रतीक आए हेलो जैन तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे नो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बेटा कह रहा सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज नाइन कह रहा बेटा एक दो डिजिट का नंबर है जिनकी डिजिट का सम भाई डिजिट का सम क्या होता सुन लो मैंने लिखा एक नंबर बेटा सेवेंटी तो ये सेवन डिजिट है मेरी और टू भी मेरी क्या एक डिजिट है तो सेवन प्लस टू मिलकर कितना आ रहा है नाइन एट और वन मिलके नाइन फाइव और फोर मिलके नाइन थ्री और सिक्स मिलके नाइन सिक्स और थ्री मिलके नाइन तो कह रहा है डिजिट्स का सम कितना है भाई साहब नौ है अब कह रहा है उस नंबर में से अगर बेटा मैं नौ को माइनस कर देता हूं

लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जैसे ही इसमें से मैं नाइन को माइनस करता हूं तो बेटा देखो एट्टी वन में से नाइन को माइनस कर रहा हूं तो 18 आना चाहिए क्या आ रहा है नहीं फिफ्टी फोर में से मैं नाइन को माइनस करता हूं तो बेटा डिजिट इंटरचेंज होना चाहिए फोर इधर आ जाएगा फाइव इधर आ जाएगा क्या फोर्टी फाइव आ रहा है यस आ गया है? यस तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खत्म अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंपल कुछ था इसमें तो बेटा डिजिट्स क्या होती है वो समझना सात और दो तो सात और दो डिजिट है आठ और एक डिजिट है पांच भी डिजिट है चार भी डिजिट है इन दोनों को ऐड करने पे नौ आना चाहिए ऑप्शन में देखा सबको ऐड करने पे नौ आ रहा है लेकिन माइनस करने पे इंटरचेंज एक ही जगह हो रही है वो रही ऑप्शन नंबर बी में ठीक है तो बेटा आज की क्लास ए फिनिश करेंगे वापस हम एनसडे को मिलेंगे नए चैप्टर के साथ थैंक यू जय हिंद